गुड मॉर्निंग सर। हेलो हेलो, यस सर गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। होप एवरीबॉडी इज फाइन। यस सर। यस सर। ओके ओके, वेरी गुड। सो नाउ we'll start a new chapter, that is fitting, right? So is this screen visible to you? Yes, yes sir, it is. Yes sir. Okay. Yes sir. So some friends are coming, still coming. Let me allow them. 2 मिनट वेट करते हैं, लेट लेट अदर्स कम। ठीक है। ओके सर। ओके सर। तुम लोग तो सब लिख रहे हो, ठीक है, बट आई विल आल्सो कॉल योर ऑल नंबर्स एट लास्ट। ठीक है। सो फॉर दैट attendance you have to respond. Okay sir. अभी लिख के एकदम मैंने तैयार हो जा रहा है कि कहीं भी जाने से काम चलेगा ना। Yes sir. ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी तो तुम लोग फर्स्ट ईयर में ही हो, ऐसा ही अभी से ही ऐसे करने लगोगे तो अभी से ही प्रॉक्सी के चक्कर में प्रॉक्सी मत मारो। पूरा जिंदगी प्रॉक्सी मारने के लिए है। पढ़ाई में प्रॉक्सी मारोगे फिर दिक्कत होगा। ठीक है, सब लोग आ गया लगता है। सो इज इट विजिबल ना? यस सर। यस सर। यस सर। बेंच वर्क एंड फिटिंग। ओके फाइन। सो दिस बेंच वर्क एंड फिटिंग, फिर कोई आ गया? आया है कोई क्या? अटेंडेंस बना रहा है सर। अटेंडेंस बना रहा है। एनीवे सर, मेहमान है सर, आते जाते रहेगा, आप क्लास करवाइए ना। ठीक है। ओके ओके, तुम्हारा परमिशन मिल गया, आई एम हैप्पी। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं। एनीवे बट यू शुड बी वोकल। ठीक है। तो इन इंजीनियरिंग दैट बेंच वर्क एंड फिटिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। लाइक यू नो इन वेरी मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्शन, ओके, लाइक ऑटोमोबाइल, डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, यू नीड द गुड विथ और यू नीड द वर्क ऑफ हाई एक्यूरेसी। ओके, लाइक तुम जैसे यू हैव टू पार्ट्स, ओके, एंड टू पार्ट्स शुड बी असेंबल्ड सो दैट दिस टू पार्ट्स शुड बी मीन्स शुड हैव गुड एक्यूरेसी नहीं एंड हैविंग दिस parts should be have better machining operations, okay, so that we can get the excuse me sir. Some are waiting. वही तो बात है। निकुंज रंजन साहब, हेलो।
निकुंज रंजन साहब, यस सर, आप थोड़ा टाइम पे आया कीजिए। सर हम ज्वाइन करने का ट्राई कर रहे थे, आप एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। ना ना ना, बाद में ज्वाइन करने का ट्राई कर रहा था। नहीं सर, हम बीच में 10:02 से कर रहे हैं। ओह, देयर मे बी नेट प्रॉब्लम, वीक है क्या उधर सिग्नल? नहीं सर, एयरटेल का थोड़ा है, तो हम जियो से ज्वाइन किया अभी। ओह सॉरी, मैंने आई मीन टू से दैट बी ऑन टाइम फॉर दिस इज फॉर एवरीवन। ओके सर, वोंट हैपन ऑन टाइम। ओके, नो इशू। सो तो जैसे एज यू सी इन डिफरेंट मशीन्स और डिफरेंट इंडस्ट्रीज देर आर सो मेनी पार्ट्स देर, ओके, एंड दीज पार्ट्स आर ऑफ गुड एक्यूरेसी, राइट? तो वो जैसे सरफेस फिनिशिंग करना, ये सारी चीज़ हम लोग मशीनिंग के थ्रू करते हैं। तो मशीनिंग, व्हाट इज मशीनिंग? मशीनिंग सिंपली क्या है कि दिस इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटल, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा मेटल फ्रॉम जॉब पीस और जॉब टू गेट डिजायर्ड शेप, ठीक है? दैट इज कॉल्ड मशीनिंग, एंड दैट यू डू इन डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स आर देयर, लेथ मशीन इज देयर, स्लॉटर इज देयर, राइट? सो दीज आर द मशीन्स ऑन विच वी परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनिंग ऑपरेशंस, ओके, एंड बाई दैट वी गेट द डिजायर्ड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट और जॉब। तो बट हाउएवर उसमें भी कुछ हमको, मैंने उतना मशीनिंग करने के बावजूद में भी दीज पार्ट्स आर नॉट ऑफ हाई एक्यूरेसी स्टील, सारे पार्ट्स नहीं, बट स्टील सम पार्ट्स नीड सम ऑपरेशंस टू फिनिश दिस जॉब, राइट? तो किस ऑपरेशन से फिनिश करते हैं उसको? दैट जनरली वी फिनिश दिस जॉब बाय हैंड ऑन बेंच, राइट? तो हम लोग अपने मतलब मैनुअली उसको फिनिश करते हैं, राइट? एंड दैट इज डन ऑन बेंच, ओके? सो यू सी हियर इन द डायग्राम, द बेंच इज देयर, राइट? डिफरेंट टाइप ऑफ वाइस आर हियर, ठीक है? ये देख रहे हो यहाँ पे, इज इट विजिबल? यस सर, यस सर, दीज आर द वाइस, बेंच वाइसेस। तो ये बेंच वाइसेस क्या होता है कि इसका जो ए पार्ट है वो हैंडल है, ये दो जॉ है, और ये बेंच वाइस का काम ये है कि टू होल्ड द जॉब, ठीक है? किसी जॉब को तुमको फाइलिंग करना है या कुछ अदर ऑपरेशन करना है या कटिंग करना है, तो तुम यू नीड टू होल्ड दिस जॉब। तो यहाँ पे जो दो जॉ है इसके बीच में तुम इसको जॉब को रख दोगे, एंड देन यू मीन्स रोटेट दिस हैंडल, राइट? विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडल वी सिंपली टाइट द और होल्ड द जॉब हियर, और उसको फिक्स होने के बाद में यू कैन परफॉर्म योर वर्क, लाइक यू कैन कट, यू कैन फाइल, मीन्स यू कैन फाइल, यू कैन मार्क द जॉब, ओके? सो डिफरेंट ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म देयर। सो दिस इज बेंच वर्क। फिटिंग, अब फिटिंग किसको बोलते हैं? सो दिस इज सिंपली a process of preparing matching parts to touch or join each other in such a way that one will turn inside of other or and one will slide upon other or parts fold tightly together, ठीक है? तो these are the parts, okay? तो you see these are the parts, one part is this part, another part is this part, ठीक है? तो इस फिटिंग में हम क्या करते हैं कि इफ वी हैव टू मैचिंग पार्ट्स, राइट? तो उस मैचिंग पार्ट्स को हम प्रिपेयर करते हैं, जैसे इस टाइप का पार्ट्स को हम प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे, सो दैट दे कैन टच ईच अदर और वी कैन ज्वाइन ईच अदर
ठीक है, तो जैसे कि इसको इसमें मतलब तुम मैच कर सकते हो, यहाँ पे मैच कर सकते हो, यहाँ पे इसको मैच कर सकते हो. सो दीज आर दी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिटिंग. ठीक है, सो प्रिपरेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ पार्ट्स टू हैव और टू ज्वाइन और टू मैच ईच अदर इज कॉल्ड फिटिंग. इज इट क्लियर टू यू? यस ओके, सो दिस इज कॉल्ड फिटिंग. तो तुम्हारा फिटिंग जो शॉप होता है वर्कशॉप में, वहाँ पे फिटिंग शॉप में तुम इसी टाइप का तुम जॉब परफॉर्म करते हो. कि जैसे देखो तुम, इफ यू आर गिवन विथ अ मेटल प्लेट, तो उस मेटल प्लेट में अब तुम्हारा इफ यू मीन्स तुमको यदि दिया गया कि ऐसे पार्ट्स को मीन तुम वहाँ पे जाओगे तो क्या तुमको क्या मिलेगा? सिंपली एक ड्राइंग मिलेगा. ठीक है, जैसे ड्राइंग मिला, इस पार्ट का एक ड्राइंग मिला, इस पार्ट का एक ड्राइंग मिला, और तुमको रॉ मटेरियल मिलेगा, मेटल प्लेट मिलेगा. ठीक है, जैसे ये पार्ट तुमको बनाना है तो मेटल प्लेट मिलेगा वहाँ पे. तो मेटल प्लेट मिलेगा तो तुमको, तो सबसे पहले तुम देखोगे कि तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है, जो ड्राइंग में दिया गया है, उस ड्राइंग में मतलब उस ड्राइंग में ये चीज वो रॉ मेटेरियल उस मैंने उस इसका डायमेंशन का है कि नहीं है. है तो फिर तुम उस रॉ मेटेरियल को देखोगे कि कैसे मीन्स वहाँ पे मार्किंग तुम करोगे. ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो गया तो तुम काटने का कोशिश करोगे, यदि छोटा है तो तुम उसको फाइलिंग करके मीन्स फाइलिंग करके वहाँ पे वहाँ का एक्स्ट्रा मेटेरियल को तुम रिमूव करोगे. तो वो करने के लिए जैसे तुम इस एक उस पार्ट को तुम वहाँ पे बेंच वाइस में फिक्स करोगे, होल्ड करोगे, एंड देन यू विल यूज डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स. ओके, दैट डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट. और उसके बाद में तुम फाइल करके, जैसे यहाँ पे बनाया है, जैसे इस साइड में फाइल किया, इस साइड में फाइल किया, इस साइड में फाइल किया, इधर सात चारों ओर फाइल किया. और ये यदि डायमेंशन ज़्यादा है तो यहाँ पे कटिंग भी कर सकता है. ठीक है, कटिंग करके यहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्रूव एक बनाया, यहाँ पे तुम्हारा एक होल ड्रिल किया है. सिमिलरली इसका जो दूसरा मैटिंग, दूसरा जो पार्ट है, ये पार्ट यहाँ पे बनाया, और फिर दोनों को मैंने मैच कराएगा. ठीक है, तो दिस इज the operation, this type of operation is done in the fitting shop. ठीक है, is it clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. It is all right, sir. Okay. Thank you. Then you see the in fitting shop, as I have told you that we perform different operations. Okay, different operations are performed in the fitting shop. Okay, so in fitting operation work, that we require a large number of hand tools or power operated portable tools. Okay, and equipments are also involved to there to perform different operation to finish the work in to the desired shape and size. Okay, so in that shop, fitting shop, you will find a different different tools are there. Hand tools are there, power operated tools are there. Okay, and with the help of and equipments will be also there. So with the help of these tools or equipment, you perform different type of operation टू फिनिश दिस जॉब, मीन जॉब पीस जो तुमको दिया गया है, टू गेट द डिजायर्ड शेप एंड साइज, राइट? एंड वहाँ पे तुम यू परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशंस देयर. ओके, सो द ऑपरेशन इज मार्किंग. ठीक है, तो मार्किंग तो इफ मैन्युफैक्चरिंग कोई भी चीज़ बनाते हो तो उसका फर्स्ट स्टेप है. जैसे तुमको जॉ तुमको रॉ मटेरियल दिया गया, राइट?
इतना बड़ा तुमको एक मेटल प्लेट दिया गया, राइट। अब तुमको बोला गया है कि तुम इस शेप का, इस शेप का तुम एक वहां से जॉब बनाओ, उसमें से जॉब बनाओ। तो ऑब्वियसली जिस शेप का मीन्स जॉब तुमको दिया जाएगा बनाने के लिए, तो उसका डायमेंशन दिया जाएगा, राइट। यहाँ पे डायमेंशन होगा इतना, इसका डायमेंशन लेंथ कितना होगा, ठीक है, इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, ये सब सारे डायमेंशन तुमको दिया जाएगा। एंड देन यू विल बी ऑल्सो गिवेन मेटल मेटल पीस, ओके। तो वहाँ पे तुम सबसे पहले तो इसको तुम देखोगे, सबसे पहले इसका इसको रेक्टेंगुलर शेप देगा। तो रेक्टेंगुलर शेप देने के लिए तुम फाइलिंग इसको चारों ओर करोगे, ठीक है। उसके बाद में यू विल गो फॉर द मार्किंग, ठीक है। मार्किंग करोगे तब तो तुम इसको फाइनली शेप दोगे। तो यहाँ पे तुम मार्किंग करोगे, तो दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, राइट, डन इन द फिटिंग शॉप टू गेट द डिजायर्ड जॉब पीस, ओके। देन चीपिंग और चीप ऑफ, ठीक है। तो चीपिंग किसको बोलते हैं, तो कोई कहीं पे एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पे रह गया, राइट। सो इफ यू रिमूव दैट एक्स्ट्रा मटेरियल, ओके, फ्रॉम द मेटल, दैट इज कॉल्ड चीपिंग। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट वन इज फाइलिंग। नेक्स्ट वन इज फाइलिंग। सो फाइलिंग किसको बोलते हैं, जैसे कोई ऑपरेशन किया, ठीक है, जैसे ग्राइंडिंग किया या सॉविंग किया या दूसरा कोई ऑपरेशन किया, तो वहां पे उस ऑपरेशन करने के बाद में क्या होता है कि दैट सरफेस में बी रफ और दैट सरफेस मे नॉट बी विथ गुड एक्यूरेसी, और वहाँ पे जो फिनिश होना चाहिए वो नहीं है। तो व्हाट यू डू, वी सिंपली, दिस इज ऑल्सो रिमूवल ऑफ, दिस इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा मेटेरियल, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल टू गेट द डिजायर्ड शेप एंड साइज। बट इसमें क्या होता है कि इसमें शेप एंड साइज तो पहले से ही मिल गया रहता है, बट इसमें फाइलिंग करने का मतलब ये है कि यू रिमूव बाय दैट फाइलिंग यू रिमूव मिनिमम मटेरियल, ओके। शेप एंड साइज ऑलरेडी तुमको मिला हुआ है, तो जस्ट यू फिनिश दैट प्रोडक्ट बाय यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स, ओके। सो बाय विद द हेल्प ऑफ दिस फाइलिंग you remove minimum material from that part or the from that job, okay. Next one, is it clear? Yes sir. Okay. Yes sir. Scrapping, this is a manual operation done in fitting shop for producing more accurate finish than obtained by the filing. जो फाइलिंग हम मैनुअली करते हैं, राइट, ये मैनुअली हम करते हैं, तो ये भी फाइलिंग ही जैसा मतलब प्रोसेस है, राइट। बट फ्रॉम दिस ऑपरेशन और विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रैपिंग वी रिमूव मिनिमम मटेरियल एंड आफ्टर स्क्रैपिंग we get the smoother or better surface than we get from the filing operation, okay. So this is my manual operation done fitting shop for producing more accurate finish than that obtained by the filing, right. grinding and this grinding is an
abrasive machining process, okay, that uses grinding wheel as a cutting tool, okay. So this you see here, the motor is there, grinding wheel is there, okay, and this part is this part is to be grounded, okay. So the shaft, so it is just with the help of this abrasive this right tool, we remove the extra material from this. तो तुम लोग देखो ना वहाँ पे हमारे घर में चाहे गांव कहीं पे, वो जो तुम्हारा इससे नाइफ वाइफ होता है उसको ग्राइंड किया जाता है, उसमें धार थोड़ा लगाया जाता है. यस सर. यस सर. तो वही चीज है, ठीक है. सॉविंग, सॉविंग देखे हो ना, देखे हो सॉविंग तो देखे हो या हैक्सॉ देखे हो? यस सर. हम्म, ओके सर. क्या होता है वो? The carpenters are also used to cut the wood for that. बोलो. So with the help of hacksaw, carpenters are also cut the wood. हाँ, जैसे तुम लोग ये काठ को मैंने काटते हुए तुम लोग देखा होगा, नहीं? Yes sir. Hacksaw will be there. And saw will be, hand saw will be there, ठीक है. और hand saw से तुम क्या करते हो कि काठ को, ये मैंने जो बोल रहा था, ये बेंच वाइस है, यहाँ पे इस वुड को, वुडन चीज को ये कर लिया, सपोज ये वुड है तो वुड को यहाँ पे फिक्स कर लिया, देन शुरू में यहाँ पे मैं मार्क करूँगा कि कहाँ पे काटना है, ठीक है. एंड देन यहाँ पे है ये हैंड सॉ रख के, और फिर टू एंड फ्रो मोशन में करते इसको काटेंगे. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉविंग. तो ये दिस विद द हेल्प ऑफ दिस सॉविंग यू कैन ऑल्सो कट द मेटल ऑल्सो, ठीक है, इन डिफरेंट शेप एंड साइज, राइट, ठीक है. देन ड्रिलिंग, तो यहाँ पे जो मेटल तुम कट करोगे तो तुम्हारा जो कटिंग टूल होगा, दैट कटिंग टूल शुड बी हार्डर देन द मटेरियल टू बी कट, अदरवाइज कट तो नहीं होगा ना. आर यू लिसनिंग? यस सर. ठीक है. यस सर. उससे तो थोड़ा हार्ड होना पड़ेगा ना, इसका मटेरियल जो है ऑब्वियसली ये जो जॉब पीस से हार्ड होना पड़ेगा, राइट. Then you can cut that material. Next process is drilling. So you can also perform the drilling process in the fitting shop. Okay. So drilling process kya hai? Is simply this is operation of drill bit use karke. There are so many type of drill bit. Yahan pe jo figure mein tum dekh rahe ho, these are different type of drill bit, right? So with the help of this drill bit, if you produce a circular hole in a solid, that process is called drilling, right? So drilling is a simply cutting process by which you cut a hole of circular cross section in a solid. Is it clear to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then reaming. Reaming. So this reaming, what do you mean by reaming? जैसे तो drilling से if you means तुमने एक होल बना दिया ड्रिलिंग प्रोसेस से,
ठीक है, जैसे ये तुम्हारा मेटल प्लेट है राइट, यहाँ पे बीच में तुम ड्रिलिंग प्रोसेस से तुम एक सर्कुलर होल यहाँ पे बना दिया, ठीक है, बट यू नीड टू इनलार्ज दिस होल। अभी सपोज तुम्हारे इसके अनुसार क्या बोलते हैं, तुम्हारे रिक्वायरमेंट के अनुसार ये नहीं है, मैंने इसको थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा, तो बड़ा करने के लिए तुम जो प्रोसेस करोगे दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीमिंग प्रोसेस। सो रीमिंग इज जस्ट ऑपरेशन और प्रोसेस बाय व्हिच यू कैन इनलार्ज द होल ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, एंड तो वहाँ पे जो टूल यूज करोगे दैट इज कॉल्ड रीमर। इज इट क्लियर टू यू? हेलो एंड और यस सर, यस सर, प्रोसेस ऑफ रीमिंग यू जस्ट रिमूव, यू रिमूव मीन्स यू रिमूव लिटिल अमाउंट ऑफ द मेटेरियल, ओके, and by that you enlarge the size of the previously formed hole or produced hole by some amount, just tumko usko just enlarge karna hai, and here you see there are so many types of the reamers are here, okay, and these reamers are for different purposes, so with the requirement, our requirement we use different type of reamers, okay? यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो, ये तो इसको तुम यूज करके तुम सिंपली यू यूजिंग दिस ऑल दिस रीमर्स यू इनलार्ज, यू इनलार्ज द क्या बोलते हैं द प्रीवियसली फॉर्म्ड होल बाय स्मॉल अमाउंट, राइट। नेक्स्ट प्रोसेस इज टैपिंग। तो टैपिंग क्या होता है, जैसे तुम्हारा मेटल प्लेट है राइट, ठीक है, मेटल प्लेट में तुम एक ड्रिल किया यहाँ पे राइट, तो ड्रिल किया है तो सपोज यहाँ पे ये तो होल है और यू वांट टू कट थ्रेड, इंटरनल थ्रेड हियर, तुम यदि इंटरनल थ्रेड यहाँ बनाना चाहते हो तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड टैपिंग। सो टैपिंग इज सिंपली, ठीक है, टैपिंग इज सिंपली प्रोसेस ऑफ कटिंग thread inside a hole so that a screw or bolt can be threaded into hole. Is it clear to you? Yes sir. Yes. So there are so these are the tools with the help of you can cut thread internally here, ठीक है, right? तो जैसा तुमको thread काटना है वैसा shape का तुम्हारा ये tool सब होगा। Dying, right? So जैसे अब होल है, तुम इंटरनली यहाँ पे थ्रेड काटा, ठीक है, और तो उसको रीमिंग बोला, और सिंपली यदि कोई एक्सटर्नली थ्रेड काटना चाहते हो, कोई तुम्हारे पास एक रड है राइट, यू वांट टू कट थ्रेड देयर एक्सटर्नली, देन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डाई यू कैन, जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ डाई आर देयर, ठीक है,
ये एडजस्टेबल राउंड स्प्लिट डाई है, ये कुछ अलग टाइप का डाई है, यहाँ पे भी कुछ अलग टाइप का डाई है, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस डाई यू कैन कट और मेक अ एक्सटर्नल थ्रेड हियर, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो ये डाई हो गया, ये फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये बेंच वाइस है, और जिस पार्ट में तुमको एक्सटर्नल थ्रेड काटना है बनाना है उस पार्ट को तुम यहाँ पे फिक्स कर दिया, होल्ड कर दिया, एंड यहाँ पे तुम डाई ले लिया, और कैसा थ्रेड काटना है किस डायमेंशन का उसके अनुसार तुम डाई यहाँ पे लगा के तो मैनुअली तुम यू कैन मेक एक्सटर्नल थ्रेड्स हियर, ठीक है। इज इट क्लियर? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सो दिस दिस प्रोसेस इज डाइंग, ओके, एंड दिस इज अपोजिट टू यू कैन से टैपिंग, राइट। इन टैपिंग यू विद द हेल्प इन टैपिंग यू कट द इंटरनल थ्रेड, वेयर इज इन डाइंग यू कट द एक्सटर्नल थ्रेड, राइट। सो दीज आर द प्रोसेसेस, डिफरेंट प्रोसेसेस वी परफॉर्म, दीज आर द डिफरेंट ऑपरेशंस वी परफॉर्म इन द फिटिंग शॉप, ओके। सो इफ यू कम टू और इफ वी आर वेटिंग फॉर यू टू ज्वाइन कॉलेज, ओके, बट द गॉड नोज व्हेन द टाइम विल कम, ठीक है, व्हेन आवर गवर्नमेंट विल अलाउ और कॉलेज यूनिवर्सिटी विल अलाउ, बट एनी वे विल ट्राई आवर बेस्ट टू शो द डिफरेंट ऑपरेशंस टूल्स, ओके, विद दिस ऑनलाइन क्लासेस। सो इन फिटिंग शॉप वी यूज different type of vice, right, as you saw, as I have already shown, yahan pe jo vice maine ye dikhaya, fir first mein hi maine ek vice dikhaya tha yahan pe, theek hai, these are the vices, holding devices, these holds this job, to you see we have different type of vices there, and these vices are used for holding the jobs, right. To isme kya hota hai ki there are a number of vices, and these vices are suppose parallel jaw bench vice, leg vice, hand vice, pipe vice, pin vice, tool makers vice, okay. So these are different type of vices. With the help of all the vices we hold the job of particular means purpose, okay, and then we can perform the operation there, theek hai. The parallel jaw bench vice, jaise maine parallel bench vice, dekho this is parallel bench vice, ये तुमने जो बेंच पे फिक्स किया गया था वो वाइस ये है, ठीक है। तो यू सी दिस वाइस, दिस इज फिक्स्ड ऑन द बेंच, हियर यू सी देयर आर डिफरेंट पार्ट्स हियर, दिस वन इज बेस, दिस वन इज फिक्स्ड बॉडी, दिस बेस इज फिक्स्ड ऑन on the bench, this is handle, this is a screw, these are the jaw parallel to each other, and this is slide, right, ye tumhara aise slide kar dega, theek hai, ye tumhara jaw jo hai fix rahega, stationary rahega, right, aur ye jo sliding jaw hai to ye andar move karega, तो ये यहाँ पे स्पेस कम हो जाएगा, फिर बाहर मूव करेगा तो स्पेस यहाँ पे ज़्यादा, इफ़ यू वांट टू होल्ड बिगर और लार्जर वर्क पीस देन इसको इधर लेना पड़ेगा, यदि
पतला है, स्मॉलर जॉब पीस है, तो तुम इसको इस साइड में लेना पड़ेगा. एंड दिस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रू. स्क्रू इज देयर ऑन दिस स्क्रू, हैंडल इज देयर, और हैंडल तुम घुमाओगे तो अंदर ए बाहर दोनों ओर मूवमेंट करेगा. इज इट क्लियर टू यू? यस सर. तो यहाँ पे इसका तुम इफ यू कट, इसको कट करोगे तो क्रॉस सेक्शन देखोगे तो यहाँ पे ऐसा है, ठीक है ना? यही तो तुम्हारा ये जो स्क्रू है ये अंदर, इसी के चलते ये पार्ट जो है, स्लाइड जो है, अंदर इधर जाएगा या इधर जाएगा, राइट? और यहाँ पे कोई भी जॉब को तुम फिक्स कर सकते हो, राइट सर? यहाँ पे कोई भी जॉब को तुम फिक्स कर सकते हो. फिक्स करके यहाँ पे तुम फाइलिंग कर सकते हो या अदर ऑपरेशन तुमको जो करना है तुम कर सकते हो. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. यस सर. यस सर. ओके थैंक यू. वी विल कंटिन्यू द बेंच मींस डिवाइसेस और होल्डिंग डिवाइसेस इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. Sir, I have not any doubt, but I want to say that in Tuesday's lab I was present, but you still marked me absent. Lab? Yes, sir. Tuesday's lab. Tuesday. So lab mein main nahi rehta hu, Baba. I am not in lab. ये जो थ्योरी क्लास है, थ्योरी क्लास में ही मैं रहा हूँ. इस जो वर्कशॉप है, वर्कशॉप वर्कशॉप प्रैक्टिस में मैं नहीं रहता हूँ, ठीक है? ओके सर. तो यू कैन रिक्वेस्ट योर कंसर्न टीचर वहाँ पे जो रहते हैं. एंड जो थ्योरी लेता हूँ मैं, ओनली थ्योरी ही लेता हूँ, ठीक है? सो ऑफिशियल ग्रुप में मैंने मैसेज किया था बट कोई रिप्लाई नहीं आया. तो कौन लेते हैं टीचर, क्या है बताओ? या नेक्स्ट टाइम तुम क्लास करोगे ना तो यू कैन रिक्वेस्ट. ओके सर. थैंक यू सर. टीचर ओके एंड ही विल ऑब्वियसली ही विल कंसीडर. ओके सर. ओके थैंक यू. सो राइट योर नंबर ओके एंड नेक्स्ट इन चैट बॉक्स ओके फॉर इट एंड बोलो सर. सर ये पीपीटी भेज दीजिए ना ये वाला. ये मैं जब कंप्लीट करूंगा तब भेज दूंगा. नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा तो आई विल सेंड टू ऑल ऑफ यू. ओके आई विल सर. ओके थैंक यू सर. अटेंडेंस, अटेंडेंस वहां पे तुम ये कर लो सर. तो पहले भी कर चुका था, बोले था लास्ट मिलेंगे इसलिए रुके हुए हैं. इसीलिए नहीं करता तुम. फंस गया. फंस गया ना? रुके. हाँ सर. ऐसा ही रैंडम में लेते रहूंगा फिर, कभी बीच में, कभी आगे और कभी लास्ट में, ठीक है? नहीं ऐसे मैं देख रहा था, आप भी पढ़ा रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं. हाँ तो कभी रोल कॉल कर लूंगा, कभी तुम लोग से लिखवा लूंगा, राइट? क्रिसमस की छुट्टी है कल से. हाँ क्रिसमस का छुट्टी तुम लोग के लिए है. सुन रंजन एस ऑफ सेंटा. आई हैव नॉट सेंटा. ओके that notice may be shared with you, all of you, okay? कब से कब तक सर? क्या बता सकता हूँ? बोलो बोलो. फ्रेशर्स पार्टी होगा कि नहीं सर जब हम लोग आएंगे कॉलेज तक? देना ना पड़ेगा वही सोचो. ऑब्वियसली होगा, तुम्हारे लिए क्यों नहीं होगा. एवरी सेकंड ईयर वालों से हम बात कर लिए, बोला ठीक है हो जाएगा. हो जाएगा. तुम्हारा सेट करके रखा है भाई. हमारा तो एकदम होगा. किसी का हो जाए नहीं, वो शुभम का होगा. शुभम का होना चाहिए, ठीक है? ओके थैंक यू एवरीबॉडी. शुभम का होना चाहिए. ओके थैंक यू सर. 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 शुभम को साइड ले चल. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. इतना थैंक यू सर लेके कहां जाएंगे?